हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लाई हूँ ये नेकलेस का डिज़ाइन। देखें, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। जी, हमने यहाँ पे फ्लावर बनाए हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट्स करें, शेयर करें। देखें ये हम किस तरह से बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा डिज़ाइन पूरी 45 चैनों से बना के तैयार किया है मैंने। मैं आपको एक छोटा सा दो पत्तियों का डिज़ाइन बना के कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। आपको जितना चैन आपको चाहिए, जितनी बड़ा डिज़ाइन चाहिए, उसके हिसाब से आप चैन रख सकते हैं। मैं आपको ये दो फूल पूरा कंप्लीट करके दिखा रही हूँ, क्योंकि ये पूरा इसी तरह से रिपीट है। देखिए फ्रेंड्स, मैं 20 चैन ले रही हूँ। देखें, ये मैंने 20 चैन बना के तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार, दो बार, तीन बार और ये 4 बार डबल क्रोशिया बना लिया हमने। अब यहाँ पे आप 1, 2, 3 चैन लेंगे और यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 1, 2, 3, 4। चौथे फंदे में आएंगे और इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चैन लेंगे और इसी में एक और डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। अब आप 3 चैन लेंगे, 1, 2, 3 और यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3 और ये 4। चौथे में आएंगे और इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब आप 3 चैन लेंगे, 1, 2, 3 और यहाँ से 1, 2, 3, 4। चौथे में आएंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चैन लेंगे और इसमें फिर से डबल क्रोशिया इसी में बनाएंगे। फिर 3 चैन लेंगे, 1, 2, 3 और यहाँ से देखें 1, 2, 3, 4। चौथे में इस तरह से आएंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक, इसमें फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2, तीन और ये 4। देखें, इस तरह से हमारा बनके तैयार हो गया है। 2 वी शेप आए हैं, उन 2 वी शेप के बीच में एक आई का शेप बना है। यानी जब अगर हमारी चैने ज्यादा हैं, एक वी शेप बनेगा, एक आई शेप, एक वी शेप, एक आई शेप, इस तरह करते करते हम पूरे एंड तक बनाएंगे। इसके बाद 3 चैन लेंगे और इस तरह से घुमाएंगे। देखें, इसको छोड़ देंगे, इसमें आएंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1, 2 और ये 3। अब देखें फ्रेंड्स, अब हम ये वी शेप है, इसमें आएंगे और इस तरह से
फंदा निकालेंगे और एक बांधा, फिर दो बांधा, फिर एक और बांधा, दो बांधा, फिर एक दो चीन चैन लेंगे, फंदा निकालेंगे और यहाँ बांध देंगे। इस तरह लेंगे, इसमें वी शेप में फिर इसी तरह से चार बार बनाएंगे, एक दो तीन चैन ली और यहाँ पे इस तरह से एक देखें, ये हमने एक दो तीन चार, चार बार बना लिया है। ये इस तरह से हमारा आधा फ्लावर बनके तैयार हो गया है। अब हम देखें, ये वी शेप में आधा हमने चार बार में बना लिया फ्लावर, और अब हम इसके इस दूसरे डबल क्रोशिया में इस तरह से इसे पकड़ेंगे और इसमें से इस तरह से फंदा निकालेंगे और एक फंदा बांधा, फिर दो और फिर दो, तीन चैन ली और इस तरह से फंदा बांध दिया। इसमें भी इसी तरह से चार बार बनाएंगे। देखें, यहाँ भी हमने चार बड़ा बना लिया है। ये हमारा इस तरह से फ्लावर बनके तैयार हो गया है। अब हम ये जो हमारा आई शेप है इसमें इस तरह से फंदा बांध देंगे। एक चैन लेंगे और अब हम इस वी शेप में फिर से इसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने पीछे फ्लावर पूरा बना के तैयार करा है। इसमें चार बार बनाएंगे, फिर इसमें भी चार बार ही बनाएंगे। देखें, यह हमारा इस तरह बन गया है। अब हम आगे इसमें बनाएंगे, इसको इस तरह से पकड़ेंगे फंदे को और इसके अंदर हम इसी तरह से चार बार फिर से बनाएंगे।
अब हम देखें, ये आई शेप है, ये हमारा डबल क्रोशिया, इसमें लाके इस तरह से फंदा बांध देंगे। देखें ये हमारा दो फूल बनके तैयार हो गया है। अब हम इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। अब हम ये दूसरा कलर लगा रहे हैं यहाँ पे, एक दो तीन चेन बना लेंगे, इस तरह से पलटेंगे और इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम यहाँ पे तीन चैन लेंगे और इस तरह से फंदा लेंगे। देखें एक दो, दो बार लेंगे, इसमें आएंगे और इस तरह से फंदा बांधते हुए ऊपर आएंगे। देखें सिंगल फंदा, फिर दो फंदा, डबल और फिर डबल, एक दो तीन चैन लेंगे और इस तरह से यहाँ फंदा बांध देंगे। एक दो बार इस तरह से लेंगे और इसमें एक फंदा बांधा, दो फंदा बांधा, फिर दो फंदा और फिर दो फंदा, तीन चैन बनाएंगे और इसमें इस तरह से बांध देंगे। फिर से इसमें इसी तरह बनाएंगे, इस तरह से हम पांच बार बनाएंगे। दो बार इस तरह से घुमाया और पहले सिंगल बांधा, फिर डबल, डबल बांधते हुए ऊपर आ गए, तीन चैन ली और ये हमने फंदा इसमें इस तरह से बांध दिया। देखें एक दो तीन चार पांच बना लिए हमने। अब यहाँ पे एक दो तीन चैन लेंगे और इसमें आएंगे, इसी तरह इसमें भी बनाएंगे, दो बार फंदा इस तरह लेंगे, सिंगल बांधा, फिर डबल और फिर डबल, और एक दो तीन चैन और इस तरह से इसमें से फंदा निकाल के ये फंदा बांध दिया। इस तरह पांच बार बनाएंगे। देखें यहाँ भी हमने एक दो तीन चार पांच बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे तीन चैन लेंगे और देखें ये इनमें इसी तरह से
डबल क्रोशिया बनाते हुए एंड तक जाएंगे, चार डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको इस तरह से देखेंगे। ये हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से हम ये फंदे इसी तरह से रिपीट बाय रिपीट हर फूल के नीचे बनाते हुए चले जाएंगे। देखें, ये फूल हमारा ये बनाया है और ये फूल हमारा ये इस तरह से बना है, और इनके इनके हर खानों में इस तरह से हमने मोती टाक दिए हैं, और इनके इन पे फूलों के इन बीच वाले खानों में एक एक मोती लगा दिया है। इस तरह से ये हमारा नेकलेस का डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। आखिरी में आप बांधने के लिए चैन भी बना लें। देखें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ बीच में आएंगे आप। इस तरह से, और इसके बाद एक दो चैन ले, इस तरह से फंदा नीचे वाले चैन में उठाएंगे, एक फंदा बांधेंगे और फिर ये तीनों फंदे बांध देंगे। फिर से दो चैन लेंगे, एक दो, इस तरह से ये फंदा उठाएंगे, नीचे वाले चैन में से फंदा उठाएंगे, सिंगल फंदा बांधा और फिर ये तीनों फंदे आपने एक बार में बांध लिए। एक दो चैन बनाई और इस तरह से देखें सिंगल फंदा बांधेंगे और इसके बाद ये तीनों फंदे एक बार में बांध लेंगे। तो हमारा इस तरह से ये डिज़ाइन बांधने का बन जाएगा। सिंगल फंदा बांधा, फिर ये तीनों फंदे बांध दिए, दो चैन बनाई और इस तरह से रिपीट करते जाएं। और आपको जितनी लंबी डोरी चाहिए उसके हिसाब से आप अपनी ये डोरी बना के तैयार कर लें। देखिए फ्रेंड्स, ये डोरी इस तरह बन के तैयार होएगी। इसी तरह आप दोनों तरफ ये ऐसी डोरी बना के तैयार कर लें बांधने के लिए, इधर भी और इधर भी। तो ये हमारी डोरी बन जाएगी। फ्रेंड्स, अगर मेरा ये नेकलेस का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स करें और शेयर करें, बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे हम आपके पास अपनी छोटी छोटी वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। Thanks for watching this video. Bye friends.